गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं स्टैंडर्ड वन की हिंदी टीचर बोल रही हूँ। आप लोग हिंदी लिटरेचर कॉपी और पेंसिल लेके बैठ जाइए। तो बच्चों, आप लोग ने कॉपी पेंसिल निकाल लिए हैं, तो सबसे पहले आप लोग डेट लिखिए और निबंध नंबर 1 लिखिए। निबंध को हम लोग लेख भी कहते हैं, है ना। और ऊपर में क्या लिखा है, पतंग, यानी पतंग पर निबंध लिखाने जा रहे हैं। तो पतंग का पिक्चर यहाँ बना हुआ है ना, जैसे मैं बनाई हूँ उसी तरह आप लोग पतंग का पिक्चर बनाएगा। अब आप लोगों को पहले मैं पढ़ाऊँगी, इसके बाद आप लोगों को मैं समझा दूँगी। तो जिस तरह मैं लिखी हूँ आप लोग भी उसी तरह सुंदर अक्षरों में लिखेगा, और मैं बोलूँगी, आप लोग मेरे साथ बोलोगे और लिखोगे भी। तो नंबर 1 देखिए, पतंग कागज और प्लास्टिक की बनती है। पढ़िए बच्चों, पतंग कागज और प्लास्टिक की बनती है। लिखना भी है इसको, है ना, और बोलना भी साथ साथ मेरे साथ। नंबर 2 देखिए, यह धागे के सहारे आसमान में उड़ती है। क्या चीज़ के सहारे उड़ती है आसमान में, धागे के सहारे। ये पढ़िए, यह धागे के सहारे आसमान में उड़ती है। नंबर 3 देखिए, यह रंग बिरंगे होते हैं। है में बिंदी होना चाहिए। पढ़िए, यह रंग बिरंगे होते हैं। या रंग बिरंगे देख कलर भरे ना, तो इसलिए इसको रंग बिरंगे कहा गया है। अब देखिए नंबर 4 में देखिए, मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। भी पढ़िए, मुझे पतंग उड़ाना अच्छा लगता है। तो बच्चों आप लोगों को अब समझा रहे हैं ना, कि देखिए पतंग क्या चीज़ का बना होता है, कागज़ और प्लास्टिक की बनी होती है। तो लोग देखे ही होंगे, पतंग कागज़ के भी बनता है और प्लास्टिक का। और कैची के सहारे उड़ाते हैं उसको, धागे के सहारे। धागे कैचे में लपेटते हैं, लटाई में, है ना। और पतंग को हम लोग कैसे कलरफुल मिलता है पतंग, है ना। देखिए कलरफुल हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, अलग अलग कलर भरे हैं ना, ग्रीन येल्लो रेड। इससे भी सुंदर आप लोग पिक्चर बना सकते हैं, मेरे से भी सुंदर, है ना। तो पिक्चर पहले बना लीजिएगा, इसके बाद नीचे से लिखिएगा, है ना। ये देखिए नंबर 1 डाले हैं, नंबर 2 है, नंबर 3 है, 4 है। तो जिस तरह मैं लिखी हूँ उसे सुंदर में आप सुंदर सुंदर लिखिएगा, है ना। तो बच्चों आप लोग सुंदर से पहले लिख लीजिएगा, फिर इसको अच्छी तरह से लर्न कीजिएगा। तो आज हम आप लोगों का होमवर्क रहेगा, लर्न पतंग फ्रॉम कॉपी। बाय बच्चों।